लिवरपूल के बारे में क्या कहना है? स्टार्ट में 2020-2021 सीजन के अगर लिवरपूल के कोई भी आदमी या कोई भी फैन से अगर आप पूछिएगा कि थर्ड पोजीशन, तो वो सोचेगा भी नहीं और बोलेगा कि आर यू मैड, मतलब वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। और अगर आप लोग फरवरी में पूछिएगा अभी इस साल के कोई भी लिवर फैन, लिवरपूल के फैन या कोई भी लिवरपूल के प्लेयर्स, कोई भी जानता है फुटबॉल के बारे में, चैंपियंस लीग, टॉप फोर, ईपीएल में इम्पॉसिबल। लेकिन हमको वही टीम अच्छी लगती है ना जो जब वक्त पड़े तब परफॉर्म करे। और लिवरपूल लास्ट 10 ईपीएल मैचेस में 8 मैच जीती है और 2 ड्रॉ हुआ है। ऐसा इस साल किसी ने नहीं किया। और इंजरी लिस्ट जोटा, वैन डाइक और आपको हेंडरसन, जितने अच्छे अच्छे जो मिडफील्ड, और आपको अर्नॉल्ड, और आपको बैकलाइन के जो प्लेयर्स सब थे, दे आर इंजर्ड। लेकिन तब भी लिवरपूल की टीम ने या उसके मैनेजर ने लिवरपूल को एक तरीके से एक लेवल पर बना के रखा जिसकी तारीफ करनी होगी। और मैंने आपको बताया ही कि अगर आप फरवरी मार्च में अगर पूछ रहे होते हैं आप किसी से कि लिवरपूल के लिए ये वाला सीजन जो है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है, लेकिन मार्च अप्रैल में क्या हुआ और कितने इंजर्ड हुए लिवरपूल की टीम, कितने ज्यादा मेन प्लेयर्स जो इंजर्ड रहे, और माने भी इस साल उसने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और मतलब फर्मिनो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन इंजरी, अगर कोई इंजर्ड होता है प्लेयर, तो हम लोग मतलब उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कोई अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो ही इज ऑन द फील्ड, उसकी गलती है और वो फिर से उसको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और उसको मैनेजर से अपने बात करनी चाहिए और क्या गलती है, क्या वो टैकल नहीं कर पा रहा है, या मतलब क्या जरूरत है फील्ड पे, उसको क्या रोल अपनाना है और वो नहीं कर पा रहा है। ही इज ऑन द फील्ड, दैट्स इट। और अगर कोई इंजर्ड है, और मतलब ये लिवरपूल की जो टीम है वो मतलब इतने ज्यादा प्लेयर इंजर्ड हैं, तो उसके बाद से अगर इतना अच्छा परफॉर्म करना, दिस इज अ सक्सेसफुल सीजन फॉर लिवरपूल। जो मतलब आपको कोरोना वायरस की वजह से मतलब फैंस भी नहीं थे, तो हम लोग को पता है कि कितना ज्यादा डिपेंडेंट होती है होम में फैंस पे लिवरपूल टीम, और होम में का बहुत बेकार परफॉर्म कर रही थी, 7-8 मैचेस लगभग हारे थे, जो एनफील्ड में कभी लिवरपूल बहुत कम हारती है, बहुत कम, लेकिन इस साल उसने हारा। क्यों? क्योंकि फैंस नहीं थे, तो अगले सीजन में फैंस भी आ जाएंगे। तो अगर पेप गार्डियोला अभी सोच रहा होगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में नहीं सोच रहा होगा, वो सेकंड है लेकिन उसके बारे में नहीं सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा लिवरपूल के बारे में, जो ये इतने इंजरी लिस्ट, इतने इंजर्ड प्लेयर के साथ इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, पेप गार्डियोला ये सोच रहा होगा। तो अगले सीजन में जब वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, प्लेयर्स भी आ जाएंगे, फैन भी आपको स्टेडियम में रहेंगे, तब किस तरीके का परफॉर्म करेंगे? तो अगला जो सीजन है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, जैसा 2-3 साल पहले हुआ है लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी में। और चेल्सी जो है, अगर 1-2 अच्छे प्लेयर्स को लाती है अपने टीम में, तो अगले साल ये तीनों जो टीम है वो ईपीएल की जो रेस है वो 3-horse race होने के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन अगर रिव्यू की बात करें लिवरपूल 2020-2021 का, मतलब सीजन कैसा रहा, तो मेरे लिहाज से दैट वाज गुड।